हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फैशन डिज़ाइनर रूबी सिंह के चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक बेबी गाउन। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले हम बॉडी ब्लॉग बनाते हैं तो ये वही है। अगर आपके पास पैटर्न पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो ये एक बच्चे का बन रहा है, तो 6.5 हम बड़े जनों का लेते हैं तो बच्चों का ये 5.5 पर लेंगे। सेम वैसे ही आर्म होल का भी लेंगे 5.5। उसके बाद हमें जितनी भी हमारे राउंड चेस्ट होती है वो लेते हैं। और इस बाजू में जो फैब्रिक है उसकी स्लीव नहीं है ऊपर, जो आम वो जो होता है हमारा वो नहीं है, ये स्लीवलेस टाइप की ड्रेस है। तो ये सिर्फ मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए दे दिया था, बट इसका कोई यूजफुल नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे काटेंगे तो आपका कपड़ा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ पैटर्न पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर पे पहले कोई भी डिजाइन कट करके और उसके बाद आप वो करें। ये हमारी फुल लेंथ है, जो हमारा टॉप होगा उसकी फुल लेंथ है, जो कि है 12 इंच। उसके बाद हम अपना राउंड वेस्ट लेंगे जो कि 27 था, सॉरी, तो उसका 1/4 ले लेंगे हर किसी का। इसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है काफी सारी वीडियो में, जो ये हमारा लिया जाता है ऊपर का बॉडी ब्लॉक जो लिया जाता है उसका राउंड राउंड चेस्ट हो, राउंड वेस्ट हो, चाहे राउंड हिप हो, ये तो सिर्फ वेस्ट लाइन तक बन रहा है, तो इसीलिए हम इसका सिर्फ दो ही चीज लेंगे। उसके बाद दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। देख सकते हो आप कैसे लिया है मैंने। अब हम इसके ऊपर की शेप देंगे जो कि हमें देनी है। पहले हम अपना जो हमारा नेक का होगा वो ले लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमें कितना नेक लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना डिजाइन डालते हैं इसमें, ताकि बच्ची का ज्यादा बड़ा गला ना हो पाए, क्योंकि इसका गला सीधे यही बनता है। फाइव ले लेंगे या फिर 4.5, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, बच्चे का बना रहे हैं इसलिए हम। अब इसको सर्कुलर शेप में हल्का हल्का सा राउंड शेप देंगे, हल्का हल्का, ज्यादा डीप नहीं, हल्का हल्का एकदम लाइट, और जहां पर हमारी फिटिंग है वहां पर जाके इसको खत्म करेंगे पूरे राउंड शेप को। देख सकते हो अभी हम अपना कट कर लेंगे पूरा, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको इस वीडियो में वो पूरा कट करेंगे। और ये पैटर्न पेपर है तो इसमें कोई मार्जिन नहीं है, मार्जिन हमारा फैब्रिक में होगा। ये न्यूज़पेपर भी मैंने उन लोगों के लिए काट के बताया जो लोग पैटर्न पेपर यूज मतलब होते नहीं है उनके घर में, तो वो नॉर्मली न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, बट ये सिर्फ एक बार यूज होता है। पैटर्न पेपर कई बार यूज हो जाता है, जो हमारा ब्राउन पेपर होता है वो हम एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो मैं किस तरीके से इसको मार्क कर रही हूँ। ऊपर थोड़ा सा हम छोड़ेंगे क्योंकि हमें हल्का सा ऊपर फोल्ड होता है ये, क्योंकि पैटर्न पेपर तो हमने एग्जैक्ट लिया है और वो हमारा एग्जैक्ट नहीं होगा, मतलब फिटिंग ऊपर की इसी पे आएगी पैटर्न पेपर वाले पे, पर ऊपर आधे इंच सिलाई में चले जाता है, तो आधे इंच से थोड़ा सा, आधे इंच ऑलमोस्ट लेकर चलना है हमें ऊपर एक्स्ट्रा, और बाकी तो हमारे फिटिंग जो होता है वो लेकर ही चलना है साइड में, और नीचे भी हमारा काफी आधे इंच से ज्यादा चला जाता है नीचे की फिटिंग में।
तो यहाँ पर हम अपना 1.5 इंच या जितना भी आपको मार्जिन रखना है वो उतना रख सकते हो आप। देख सकते हो मैं किस तरीके से इसका मार्जिन मार्क कर रही हूँ, निशान लगा रही हूँ। मतलब नीचे का हमने मार्जिन पहले ही ले लिया है, देख सकते हो आप मार्क से कितना, थोड़ा सा कितना दूर है, काफी डिस्टेंस पे है वो। और ये 4 फोल्ड कट हो रहा है, ये डबल फोल्ड नहीं है, ये 4 फोल्ड है, तो इसमें आगे पीछे दोनों के लेयर निकल जा रहे हैं। और सेम होगा इस गाउन जो मैं बना रही हूँ इसमें सेम है, क्योंकि एक बच्चे का बच्चे के में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, और ना ही पीछे का ना ही आगे का, तो इसमें नेक का कोई इश्यू नहीं होता है। बच्चों के में दोनों ही सेम भी डाल सकते हो और छोटे बड़े भी डाल सकते हो। अब उसी को रख के हम अपने नेट पर रख लेंगे, क्योंकि ये नेट गाउन है। नेट इसका हमेशा याद रखना, हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं, चाहे वो आधा इंच से थोड़ा ही सा कम क्यों ना हो। जब हम उसे सिलते हैं तब उसे हम दोबारा कट करते हैं, ताकि क्योंकि नेट जो होती है ना वो हमारी कट करने के बाद ढीली हो जाती है, तो इसलिए हमें उसका हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटते हैं। सेम इसको भी नेट के अकॉर्डिंग ही काटेंगे, क्योंकि इसका और नेट का सेम साइज होता है, सेम साइज होता है। बिल्कुल हल्का हल्का सा लेते हैं, ज्यादा नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा ले लिया आपने मार्जिन। देख सकते हो किस टाइप से कटिंग हुई है। ये हम अपना अम्ब्रेला कट टाइप का कटिंग करेंगे, जो हमारा लाइनिंग हो गया अंदर जो लग रहा है वो, क्योंकि नेट है, नेट के अंदर लाइनिंग लगना कंपलसरी होता है। तो ये मैंने सर्कुलर में निशान लगाया, आप देख सकते हो। अगर आपको सर्कुलर की कटिंग देखनी है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ हमारी कटिंग खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हम अपने जो नेट है और लाइनिंग वाला कपड़ा है, एक कॉटन का कपड़ा हम अलग लेते हैं और एक ये साटन वाला कपड़ा अलग लेते हैं, ताकि ये शाइनिंग कपड़ा होता है, ये पार्टी वेयर टाइप की ड्रेसेस होती है तो इनमें साटन के कपड़े लगते ही हैं, ये थोड़ा शाइनिंग कपड़ा करें। उसके बाद सेम बैक का भी कर लेंगे, वैसे फ्रंट का और बैक का दोनों का करते हैं। नेट प्लस उसके अंदर सैंटून का कपड़ा लगाते हैं, सैंटून नहीं साटन, सॉरी।
उसके बाद जो हम अपनी इसकी स्लीव बना रहे हैं वो आप देख सकते हो, मैंने इसकी नेट की स्लीव बनानी थी, वो भी फ्रिल, आजकल जो गैदर्स टाइप की चल रही है तो गैदर्स में ये अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने इसकी छोटी छोटी, जैसे हम सलवार में प्लेटें डालते हैं उस टाइप की प्लेटें डाल दी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, और सेम उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी डाल देंगे, वो हमें अपोजिट साइड में डालनी होगी, मतलब अगर इस साइड हमने फोल्ड इस तरीके से किया तो दूसरी साइड हम दूसरे तरीके से फोल्ड करेंगे, मतलब ये राइट की साइड जा रही है तो वो लेफ्ट की साइड जाएंगी, जिससे हमारा ये फ्लेयर जो है वो बहुत ही अच्छा है। देख सकते हो मैंने किस तरीके से चुन्नट डाल रही हूँ, जैसे सलवार में डालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। देखो मैंने उस साइड राइट साइड में लिए तो इस साइड लेफ्ट साइड में कर रही हूँ, अपोजिट लेना है दोनों की साइड, ताकि इसका गैदर अच्छा है, क्योंकि आपने जैसे इमेज में देखा यूसी टाइप की गाउन बन रही है। तो आपको बहुत केयरफुली करना है ये सारा काम, ताकि आपके हाथ में भी ना लगे, और देख सकते हो उसके बाद ज्वाइंट कैसे करना है, दोनों लेयर को लेकर ज्वाइंट कर देना है, कि एक बाजू है ऊपर की साइड जो हमारे लगता है वो है ये, और हमेशा पूरी ड्रेस रेडी होने के बाद इसकी जितने भी धागे होते हैं वो कट कर देने चाहिए, और मेरी इसी वीडियो का पूरा सेकंड पार्ट जो कंप्लीट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो रही थी, तो इसीलिए प्लीज नेक्स्ट पार्ट भी देखना ना भूलें, वो हमारा संडे को आएगा। थैंक यू।